वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वे सोसाइटी। सर्वे सोसाइटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टॉपकॉन जीएम सीरीज मशीन में आज जानेंगे कैसे रिसेक्शन करें। इससे पहले मशीन को टिल्ट करके बेवल कर लेते हैं। बेवल हो जाने के बाद जॉब सेट करते हैं। जॉब सेट करने के लिए डाटा में क्लिक करके जॉब्स जॉब सिलेक्शन में क्लिक कर लेते हैं। देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, तो जॉब सिलेक्शन करके ऑलरेडी मेरा पीसीएल में सेव है। तो मैं ऐसा एक जॉब टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, जस्ट दिखाने के लिए। तो जहाँ पर डेटा नहीं है मेरा, वहाँ वही मैं जॉब सिलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते जॉब 37, दोबारा मैं उसको नीचे वाला जॉब 37 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जॉब सिलेक्ट हो जाने के बाद मैं जॉब सिलेक्ट ऑप्शन में क्लिक कर जॉब डिटेल्स ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। जॉब डिटेल्स करने के बाद आप न्यूमेरिकल में है देख सकते हैं, इसको मैं ऑड में कर लेता हूँ शिफ्ट दबा के। तो शिफ्ट दबा के टेस्ट इसका नेम दे देता हूँ। आपका अनुसार आप स्केल भी चेंज कर सकते हो। आपका अगर स्केल अलग अलग हो तो अब इसको कॉन्स्टेंट स्केल ही रख देता हूँ। अगर आपका चेंज होगा तो कर देना। तो ये हो गया मेरा जॉब सेटिंग। अब रिसेक्शन कर लेता हूँ। रिसेक्शन कर लिया, मेनू में जाता हूँ कोऑर्डिनेट, फिर इसमें आप देख सकते हैं F4 अभी मिटा हुआ है, लेकिन वो F4 में जाके रिसेक्शन कर सकता हूँ। इसमें NEZ एलिवेशन और सेटिंग है, तो नॉर्थिंग ईस्टिंग और जेड वैल्यू करूँगा मैं। देख सकते हैं मैं टारगेट करके रखा हूँ प्रिज्म में। प्रिज्म को टारगेट करके इसको सही से एक एक सर्कल करके इसको मेजर कर लेता हूँ। मेजर के लिए देख सकते हैं F4 को दोबारा दबा रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पॉइंट इसको मेजर कर लिया। और इसमें डिस्टेंस और एंगल भी दिया हुआ है, इसको देखने के लिए बार बार नो करके यस भी कर सकते हो। और इसका हाइट ऑफ प्रिज्म भी देख सकते हो HR देखे। तो ये हो गया, तो मैं इधर का कोऑर्डिनेट डाल देता हूँ फर्स्ट पॉइंट का। देख सकते हो ऊपर लिखा है फर्स्ट पॉइंट, तो नॉर्थिंग और जेड ईस्टिंग दोनों का कोऑर्डिनेट डाल के जेड वैल्यू का कोऑर्डिनेट डाल देता हूँ। फिर नेक्स्ट कर देता हूँ सेकेंड पॉइंट के लिए। सेम प्रोसेस में सेकंड पॉइंट को भी मैं मेजर कर लेता हूँ डिसेक्शन के लिए। तो मैं क्रॉस हेयर को सीधा करके मेजर कर देता हूँ सेकंड पॉइंट। मेजर हो रहा है, आप नो करके यस कर सकते हो कि सीधा से प्रिज्म पकड़ा है कि नहीं। एंगल और डिस्टेंस दोनों दिया हुआ है। ये हो जाने के बाद आप सिंपली यस टिप क्लिक करिए। अगर आपका पॉइंट ऑलरेडी लोड रहता है तो लोड कर सकते या मैनुअली एंटर कर सकते। तो मैं लोड में कर देता हूँ, लोड है 39, तो फिर इसको एक करके एंटर दबा देता हूँ। देख सकते हैं एंटर हो गया है। इसमें तीन ऑप्शन है, तो मैं इसको कैलकुलेशन में क्लिक कर लेता हूँ इसको रिजल्ट देखने के लिए। आप फिर एक आया है रिजल्ट, ये फोन दबा के रिजल्ट देख सकते हो। एक्यूरेटली मेरा मशीन सेट हुआ है, 00 आया है चारों कोऑर्डिनेट। फिर इसको हल्का से एक बार बैक करके ओके कर देता हूँ। फिर इसमें सेट अजीमत करके यस कर देता हूँ। फिर ये जो पॉइंट आया है ये अपना मशीन करेंटली जहाँ पर है उसी का कोऑर्डिनेट है। फिर इसको ओके कर देता हूँ। फाइनली हमारा मशीन रिसेक्शन हो गया। इसको क्रॉस चेक करने के लिए जो पॉइंट सेकंड पॉइंट था उसको मेजर कर लेता हूँ ऑब्जर्वेशन का। तो ये था आज का वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।